देवशास्त्र गुरु वाला जो व्यवहारी जो सम्यक दृष्टि कहते हैं वो सम्यक दृष्टि तो ठीक है, लेकिन आत्मश्रद्धानी वेद विज्ञानी तत्वज्ञानी समय आत्मानुभवी पुरुष पंचेंद्रिय के विषय भोगों में कैसे प्रवृत्ति कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा तक मानते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन तो केवल त्यागी वृत्तियों को होता है और जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो गृहस्थों को होता है। कि क्यों होता है व्यवहार सम्यक दर्शन? क्या है कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, गृह मित्यात का सेवन नहीं करना, समझ में आया कि नहीं आया? बस ये व्यवहार सम्यक दर्शन है कि साहब यही रह सकता है। अगर अगर उसको आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन होगा तो वो विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे करेगा, घर मकान दुकान कैसे चलाएगा? हेलमैन है इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा बहुत लोगों की सामान्य धारणा है और ये आज से नहीं है, बहुत समय से है। और ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जब स्वाध्याय करवाया और आगम में बताया कि भरत आदि सम्यक दृष्टि थे और छायक सम्यक दृष्टि थे तो फिर वे विषय भोगों प्रवृत्ति तो करते थे। और छायक सम्यक दर्शन तो छूटता नहीं, छूटता है छायक सम्यक दर्शन, वो तो एक बार हो गया तो हो गया। उपशम वाले का तो तुम कह दोगे कि छूट जाता है, लेकिन इसका कैसे कहोगे जो छायक सम्यक दृष्टि है? तो ये लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई हमें समझ में नहीं आता कि विषय कषायों में प्रवृत्ति करते समय कोई सम्यक ऐसा और अपन के रहता भी है। जैसे मैं मान के चलो घर में आज अभी जाऊं और थोड़ा स्वाध्याय विशेष करूं, थोड़ा ध्यान में लगूं, ठीक है कि नहीं, और एकदम शांत शांत रहूं, तो मेरी पत्नी पूछती आज सम्यक दर्शन हो गया, पूछती कि नहीं? और अगर मैं थोड़ा सा स्वाध्याय वगैरह नहीं करूं, थोड़ा ध्यान नहीं करूं, थोड़ा हंसी मजाक करूं, है ना, या खाने पीने का ज्यादा लगता है, तुम्हारा सम्यक दर्शन छूट गया। तो हमें ये कहीं ना कहीं इतना समझने के बाद भी सम्यक दृष्टि के बारे में धारणा हमारी रहती है, सम्यक दृष्टि माने धर्मात्मा, हमें ये धारणा रहती है कि वो विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं कर सकता, वो छल कूद नहीं कर सकता, वो तो शांत होकर गंभीर होकर बिल्कुल बैठा रहता है और पूरे टाइम उसके अंदर धर्म ध्यान चलता रहता है। कोई उससे बातचीत करता है तो बहुत बातचीत नहीं करता, रस नहीं लेता, बच्चों से बिल्कुल बात नहीं करता, एकांत एकांत में बैठा रहता है। ये हमारी सम्यक दृष्टि के प्रति धारणा है। और इस धारणा से क्या होता है कि लोग ये जो बाहरी चिन्हों को सम्यक दर्शन मान लेते हैं तो अंदर का जो असली चिन्ह है उस तरफ तो ध्यान नहीं देते और ये बाहर का सम्यक दर्शन ओढ़ने की कोशिश करते हैं, गंभीर रहने लगेंगे, बहुत पूजा भक्ति में भगवान के सामने घंटों खड़े रहेंगे, चुप चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, हंसने की भी बात आएगी तो हंसेंगे नहीं, समझ में, धीर वीर गंभीर बने रहेंगे, है ना। और वो क्या सोचते हैं ये सम्यक दृष्टि है और वो असली में उसके इमेज सम्यक दर्शन की ऐसी है तो उसे हंसी आ भी रही होगी तो हंसता नहीं है क्योंकि सम्यक दृष्टि हंसता नहीं है। साधु क्रोध नहीं करता, तो साधु क्रोध नहीं करता कि वास्तव में जो असली साधु होता है उसे क्रोध आता नहीं, दो में से कौन सी बात सही है? साधु को क्रोध आता ये सही है, लेकिन सारी दुनिया वो पहली वाली फॉलो करती है, कौन सी, कि मैं साधु हूं तो मैं गुस्सा नहीं कर सकता। गुस्सा करने का मन तो है, जैसे अधिकारी होते ना, मैं इस पद पर बैठा हूं मैं ये काम कर नहीं सकता, समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही बहुत सारे साधु संत, मेरा बस चले तो आग लगा दूंगा, लेकिन मैं साधु हूं ना, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं। एक बार एक महाराज बोले मेरा बस चलेगा ना तो मैं साधु बन गया, देखो खुल्लम खुल्ला
और कई दफ़े ऐसे कई साधु के आप सुन लेना बोलते हैं, वो तो मैं साधु बन गया, अब साधु हूँ और साधु पद के गरमा एक मर्यादा, वरना आग लगा देता मैं। एक साधु बोले मेरा बस चले तुम लोग तो नपुंसक हो, मैं फलानी बिल्डिंग को बम से उड़ा देता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं साधु हूँ तो मैं ऐसा ऐसा समझ भी आए कि नहीं। तो ये साधु का लक्षण हो ही नहीं सकता कभी। ऐसे मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए मैं विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे करूँ, ऐसा स्वरूप ही नहीं है। समझ में आया? जैन धर्म तो ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता कि प्रश्न नहीं है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। भाव आ गया और मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मैं साधु हूँ इसलिए उसका साय को दबा लिया या बाहर में व्यक्त नहीं किया तो तुम भ्रष्ट हो चुके हो, चाहे बाहर में व्यक्त हो और चाहे नहीं, उससे क्या बहुत फर्क थोड़ा ही पड़ता है। और ये अपने साथ ही प्रॉब्लम इसलिए ही होनी है क्योंकि जो आदमी भूमिका के अनुसार आगे बढ़ता है, श्रावक होगा मुनिराज होगा, तो बाहर में उसके जीवन में त्याग व्रत होता है और हमें वो अंदर का तो कुछ पता है नहीं। हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा सम्यक दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं खाता, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं चलता, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है, वो ऐसा करता वरता नहीं है, वो तो सहज ही उसका जीवन में ऐसा होता है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर ये बहुत मार्मिक है, इस सबके मन में रहता है कि एक सम्यक दृष्टि विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे कर सकता है। और इस चक्कर में इतना ढोंग पैदा हो गया, इतना ढोंग पैदा हो गया कि पूरा भारत देश ढोंगियों से भर गया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे धर्मात्मा दिखना है, होने का तो पता होता नहीं लोगों को कि धर्मात्मा होते कैसे, लेकिन धर्मात्मा दिखते कैसे हैं ये भारत में बच्चे बच्चे को पता है। समझ में आती कि नहीं आती? क्या बोला मैंने रमेश जी, दोहरा उस बात। धर्मात्मा होने का हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन धर्मात्मा दिखने का भारत देश में बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि यहाँ ढोंग इतना भयंकर फैला हुआ है।